हेलो टेंथ क्लास, एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर का तीसरा पार्ट। जनरली पहला पार्ट एसिड के बारे में है, दूसरा पार्ट बेस के बारे में, तीसरा थोड़ा सा डाला था आपको पीएच स्केल के बारे में। नेक्स्ट अब पढ़ना है सिर्फ सोल्ट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सोल्ट बनते किससे हैं। हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट, और इस रिएक्शन को बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ कुछ याद आ रही है, एसिड लिया मान लो HCl, इसकी रिएक्शन करवाई, बेस लिया NaOH, क्या बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, और इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा अपना साल्ट। तो मैं साल्ट को कह सकता हूं, साल्ट कब बनते हैं, जब एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस किया जाता है बाय द बेस, लगा लो बेस इसको रिप्लेस कर देगा, यहां पर अपना NH ने दे दिया तो यह बन गया NaCl। ठीक है भाई, साल्ट का मतलब है जनरली ये नहीं है NaCl ना, और भी साल्ट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कुछ एक टाइप मैं बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है, अगर कोई सोल्ट बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, सोल्ट ऑफ HCl उसको क्लोराइड बोलेंगे, सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसको सल्फेट कहेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट, सोल्ट ऑफ किसका HNO3, ये नाइट्रेट कहलाएगा। सबके एग्जांपल बताऊंगा एक एक। चलिए नाइट्रेट, तीन यहां तक तो हो गया, दो और भी हैं, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3 उसको कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है सर, एक लास्ट है, अगर एसिटिक एसिड से बनता हो, साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड, इससे बनता हो उसे एसिटेट बोलेंगे, एसिटेट कहा जाएगा भाई। ठीक है, एग्जांपल देख लो, जैसे फर्स्ट का एग्जांपल लिख दिया मैंने, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, नाइट्रेट का लिखो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, कार्बोनिक एसिड का भी लिख सकते हो, कार्बोनेट लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और एसीटेट का भी लिख सकते हो, सोडियम एसीटेट बोलते हैं CH3COONA। तो ये सारे एक एक एग्जांपल लिख दिए मैंने इनके, ये सोल्ट हैं। दोबारा बता देता हूँ, सोल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाला है उसको क्लोराइड बोलेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उसे सल्फेट कहेंगे, जैसे सोडियम सल्फेट, सोल्ट ऑफ HNO3 उसे नाइट्रेट बोलेंगे, जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड के वालों को बोले कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2। मैंने सभी जगह एक ही मेटल ले लिया, इजीली इसको आपको समझ आ गया, सोडियम। ठीक है, सोल्ट ऑफ है एसिटिक एसिड है उसमें आ गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन जाएगा भाई। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, जिस प्रकार से एसिड और बेस, एसिड और जो बेस थे वो कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी को, सोल्ट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिस प्रकार से एसिड और बेस इनके सॉल्यूशन में
क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसी प्रकार से सोल्ट भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जनरली सोल्ट के बारे में कहा जाता है सोल्ट आर आयोनिक कंपाउंड। सोल्ट कैसे हैं, आयोनिक कंपाउंड है। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा है आयोनिक कंपाउंड। अब आता है आयोनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, वो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो वो होगा आयोनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके अंदर अगर देखूं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होने से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो आयोनिक बॉन्ड बना है, और आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो सोल्ट जितने भी है सारे के सारे क्या होंगे, ये याद रखना है आपको, दे आर आयोनिक इन नेचर, या आयोनिक कंपाउंड है, कैटायन और एनायन मिलकर बनाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ना है कितने टाइप के हैं ये आपके, सॉरी पीएच के हिसाब से कितने टाइप के हो सकते हैं सोल्ट। आगे लिखिए द पीएच ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले तीन तरह के बता रहा हूं, नंबर वन न्यूट्रल सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट, सेकंड है एसिडिक सोल्ट, और नंबर तीन है बेसिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट न्यूट्रल सोल्ट में कहता है ऐसा सोल्ट है जिसको वाटर में डिजोल्व करके फिर उसमें लिटमस पेपर डिप करके देखा जाए तो अगर उसकी ग्रीन कलर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, यानी जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो होगा न्यूट्रल सोल्ट। जनरली न्यूट्रल सोल्ट के बारे में क्या कहा जाता है, एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के तो हैं, न्यूट्रल में क्या कहता है ऐसे सोल्ट सॉल्यूशन जिनके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर से ग्रीन कलर शो होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट आर न्यूट्रल। और एग्जांपल है इसका सोडियम क्लोराइड NaCl, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा सेकंड आता है एसिडिक कौन से होंगे, एग्जांपल एसिडिक का अमोनियम क्लोराइड, मींस ऐसे सोल्ट जो बने हो किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। वैसे तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। अगर मैंने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस वीक ले लिया तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कौन सा लिया, HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है भाई, NH4OH और HCl की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग, या मैं कह दूं स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो बना एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट बेसिक सोल्ट कब बनेगा, इसका उल्टा कर दो, जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेता हूं, उस दौरान जो सोल्ट होगा उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी। एग्जांपल सर इसका, एग्जांपल है इसका सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जांपल हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड लिया हमने एक कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये थे सोल्ट के बारे में,
सोल्ट एक बार फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सोल्ट क्या है? सोल्ट जनरली दे आर प्रोड्यूस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इससे सोल्ट बनते हैं। सोल्ट का मतलब ये नहीं है सोल्ट बोले तो कॉमन सोल्ट, वो कॉमन सोल्ट है जो आप NaCl की बात करते हो, सोडियम क्लोराइड, यानी एसिड के अंदर से H को रिप्लेस कर दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह लेते हैं। उस हिसाब से हमने इनको क्या क्या बोला, क्लोराइड बोला, सल्फेट बोला, नाइट्रेट बोला, कार्बोनेट बोला, CO3 Na2 CO3 वाला, तो इस तरीके से अलग अलग सोल्ट थे। उसके बाद है तो नेक्स्ट सोल्ट के बारे में थोड़ा सा टाइम को देखते हुए पहले राइट डाउन कर दिया ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज हो सके। तो अब एक एक करके सोल्ट पढ़ना है। सबसे पहले कॉमन सोल्ट के बारे में देखेंगे, जो हमारे घर में नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है लैब के अंदर, प्रोडक्शन देख रहा हूं मैं लैब के अंदर, इसको कैसे बनाएंगे। ये कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH और HCl में से H दोनों आपस में कंबाइन होकर वाटर बना देंगे और बाकी जो बच गया वो बच गया अपना कॉमन सॉल्ट NaCl। इसे बोलते हैं पा नमक जो अपने घर में होता है सोडियम क्लोराइड। इसका लैब के अंदर प्रोडक्शन इस प्रकार होता है, लेकिन हम लोग ये तो है नहीं लैब के अंदर लेके जाएंगे और बनाएंगे फिर पैकेट में डाल के बेच देंगे, नहीं, इसको जनरली सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है जो आप लोग खाने में यूज करते हो। सी वाटर में कैसे, जो समुद्र है उसके किनारों पे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे वाटर इकट्ठा होने के लिए पैचेज बना दिए जाते हैं। वाटर जैसे ही इसके अंदर जाएगा इवेपोरेशन के थ्रू, दोपहर के टाइम ये पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और पीछे बचता सॉल्ट उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा तरीका है अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जिसे रॉक साल्ट भी बोलते हैं। एक नमक सेंधा नमक बोलते हो आप लोग, वो भी देखा ऐसे चट्टान पत्थरों के रूप में मिलता है, अर्थ के अंदर से इसको डिग करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं अपने कॉमन जो साल्ट है नमक है उसको प्राप्त करने के। नेक्स्ट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सर कॉमन सोल्ट, बहुत बड़ी जगह यूज होता है, रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीज बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, सब जगह इन सब को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है जी। सेकेंड है खाने में, कुकिंग फूड में यूज किया जाता है किसको, नमक को, अपने कॉमन सोल्ट को। थर्ड है प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, प्रिजर्व करके रखना। चलिए एक बात यहां से आ रही है मेरे को याद, वैसे तो बताई हुई है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या फर्क है कमेंट सेक्शन में बताना, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है। चलिए तो प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स में इसको यूज किया जाता है ताकि अचार खराब ना हो। नेक्स्ट साबुन को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम चैप्टर पढ़े हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर मैं लिखवाऊंगा आपको कॉमन साल्ट को यूज किया जाता है टू सेपरेट आउट सोप फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो साबुन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, कॉमन साल्ट का। लास्ट है टू मेल्ट आइस, आइस की जगह मैं यहाँ स्नो लिखूं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जो स्नो है, स्नोफॉल होती है सड़कों के ऊपर, जो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इकट्ठी हो जाती है स्नो, तो उसको मेल्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नमक का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कास्टिक सोडा, सबसे पहले कॉमन नेम फॉर्मूला NaOH और साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। किस प्रकार से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, ये कहता है ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। सर ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, जब थोड़े से पानी में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया जाए वो सॉल्यूशन मेरा ब्राइन सॉल्यूशन है। समझ, कॉमन भाषा में समझ सकते हो, सोल्ट की अमाउंट यानी कॉमन सोल्ट है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा कप के अंदर डाला और उसके अंदर से करंट गुजार दिया यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ किसी चीज का, किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां प्रोडक्शन होगी कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर जाएगी और क्लोरीन गैस है वो एनोड पर जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, जो इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ऐसा क्यों सर, क्योंकि क्लोर तो निकला है क्लोरीन से, क्लोर वर्ड कहां से आया है, क्लोर वर्ड है क्लोरीन से, एल्कली आया है कास्टिक सोडा यानी बेसिक सोल्यूशन।
तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस रिलीज होती है प्लस एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। तो इसमें जो तीन मेन प्रोडक्ट मेरे को मिले, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीनों के अलग अलग यूज है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के क्या क्या यूज है। फर्स्ट यूज है इसको सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। एक आर्टिफिशियल फाइबर है रेयॉन, उसको बनाने में हम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज किया जाता है कास्टिक सोडा का। और लास्ट है एक और है बक्साइट और एल्यूमिनियम का, उसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? कास्टिक सोडा। नेक्स्ट इसके बाद ऑयल रिफाइनिंग वगैरह में भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरीन के क्या क्या यूज हैं। मुझे पता है स्टरलाइज करने में यूज करते हैं इसको, वाटर को। तो क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है, स्विमिंग पूल वगैरह उनमें पानी वगैरह साफ करने के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड पढ़ा था हम लोगों ने, HCl बनाने में इसका यूज किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इसका बनाने में यूज करते हैं क्लोरीन का। पेंट्स वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं हम लोग किसका, क्लोरीन का। तो नेक्स्ट लास्ट आता है हाइड्रोजन, जो तीसरा मेन प्रोडक्ट अपना है, एक और प्रोडक्ट सॉरी बना है। इस हाइड्रोजन के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यूजेस हैं, इससे मैं HCl प्रोड्यूस कर सकता हूं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल के रूप में, एज रॉकेट फ्यूल। और अमोनिया, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनमें अमोनिया का प्रोडक्शन का काम भी किया जाता है, तो वहां से भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। मिथेनॉल बनाने में यूज कर सकते हैं। और एक रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, मींस एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये अपन नेक्स्ट पढ़ लेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एनिड्स कंपाउंड। अभी के लिए थैंक यू।